गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे हिंदी। और हिंदी में हम कौन सा पार्ट कर रहे थे, हिंदी में हम कर रहे थे पार्ट 12। और इस पार्ट का क्या नाम है, इस पार्ट का नाम है स्तुति ने लिखा पत्र। क्या नाम है, स्तुति ने लिखा पत्र। तो हमने कल की कक्षा में इस पाठ के किए थे कुछ कठिन शब्द, और आज की इस कक्षा में हम करने वाले हैं इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्तुति किसकी शादी में गई थी, स्तुति किसकी शादी में गई थी। स्तुति अपनी मौसी की शादी में गई थी। स्तुति किसकी शादी में गई थी, स्तुति अपनी मौसी, मौसी नहीं मौसी की शादी में गई थी। प्रश्न दो है, नाना जी ने स्तुति को क्या क्या दिखाया। अब जब स्तुति का अपनी मौसी की शादी में गई थी, तो वहां पर उसके नाना जी ने उसे क्या क्या दिखाया। चलिए देखते हैं कि स्तुति के नाना जी ने उसे क्या क्या दिखाया। नाना जी ने स्तुति को जामा मस्जिद, म आधा स जी द, मस्जिद मस्जिद नहीं होता है मस्जिद, स का बहुत ही हल्का सा साउंड है। नाना जी ने स्तुति को जामा मस्जिद, लाल किला, लाल किला नहीं लाल किला, लाल किला चांदनी, चांद नी चौक और डॉल्स म्यूजियम, आधम म्यूजियम नहीं होता है म्यू, म्यू बोला जा रहा है, म का बहुत ही हल्का सा साउंड है तो आधा म, यू सी यम म्यूजियम दिखाया। तो स्तुति जब अपनी मौसी की शादी में गई थी, तो उसके नाना जी ने उसे जामा मस्जिद, लाल किला, चांदनी चौक और डॉल्स म्यूजियम दिखाया। हमारा अगला प्रश्न है, स्तुति को पावनी की याद क्यों आई, स्तुति को पावनी की याद क्यों आई। डॉल्स म्यूजियम में कुड़िया गुड़िया देखकर स्तुति को पावनी की याद आई। डॉल्स म्यूजियम म्यू जी
यम म्यूजियम में गुड़िया देखकर स्तुति को पावनी की याद आई। अगला प्रश्न है, नाना जी ने स्तुति के लिए क्या खरीदा? नाना जी ने स्तुति के लिए क्या खरीदा? नाना जी ने स्तुति के लिए ओढ़नी और लहंगा खरीदा। नाना जी ने स्तुति के लिए ओढ़नी और लहंगा खरीदा। हमारा आखिरी प्रश्न है, स्तुति ने पावनी के लिए क्या खरीदा? स्तुति ने पावनी के लिए क्या खरीदा? स्तुति ने पावनी के लिए पुस्तक खरीदी। आधस तक पुस्तक खरीदी। स्तुति ने पावनी के लिए क्या खरीदा था? एक पुस्तक। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सारे प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। आपकी राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए। ऊपर की मात्रा ऊपर वाली लाइन में टच और नीचे वाली मात्रा नीचे वाली लाइन में टच और छत होगी बिल्कुल सीधी। तो चलिए प्यारे बच्चों, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।